एक दुख होता है जो हम कर्म भोगनाएं भोगते हैं, उसी दुख से तो छूटना है ना। ये जो गीत है तो ये भी समझने का है। ऐसे नहीं है कि कांटों से क्या डरेंगे तो उसका मतलब है हम पांच विकार और दुख से क्या डरेंगे। नहीं, ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। हाँ, उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरेंगे। समझा? जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंत जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंत अमृत है, तो उस जहर से नहीं डरना है क्योंकि इसमें अंत सुखदाई है। समझा? पहला डिफिकल्ट लगता है, परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए हैं ना, लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई ये कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा के लिए जिसमें अपनी जीवन उसने जितनी भी अपना सफलता का लिया, तो कहेंगे ना कि उसके सदके अगर जान भी गई या कोई सितम सहन किया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कष्ट और वो कष्ट में जो हम भोगते हैं दुख में, उसी में उसमें फर्क है ना। तो ये भी जो गीत है इनों का भी अर्थ समझना है भाई, कांटों से क्या डरेंगे। तो ऐसे नहीं है कि इसमें ये तकलीफ है, इसमें ये मुसीबत, इसमें ये सितम सहन, उसे डर कर करके हाँ हम ऐसे ही यहाँ रह जाए। नहीं, इसमें तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए। अगर इसके लिए हमको कुछ सहन भी करना पड़े तो मैदान पर आना है, क्योंकि इससे तो हमारी जीवन बनती है ना। दूसरी देखो, हद की सेवाओं में भी जान देते हैं। हाँ, गांधी ने जान दी, नहीं परवाह नहीं की। हाँ चलो, कहा बहुत, हाँ जान जाएंगी, गई, पर तो हद का काम, उसे कोई वो कंप्लीट प्राप्ति तो नहीं रही ना। तो जब ही कोई हद की सेवा में भी आ इतना रखें, ये तो कंप्लीट प्राप्ति है, उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गाली खानी पड़े, सुनना पड़े, कोई कष्ट सहना करना पड़े, दुनिया कुछ बुरा भला कहे या कुछ भी या सहन करना पड़े, तो है कि उसी से नहीं डरना है। समझा? तो ये बातें भी समझने की है। बाकी ऐसे नहीं है कि यहाँ दुख आए तेरा भाड़ा मीठा लागे। हाँ ऐसे बहुत है ना, वो कहते हैं कि क्या ऐसे डरना है, आया रोग आया, दुख आया, ये आया, नहीं नहीं उसका उपाय है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। उसी से हम छूट सकते, उसके लिए अगर हमको कुछ सहन करना पड़े तो फिर दूसरी बात। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। बेचारे कहीं इन्हीं बातों का ज्ञान न होने के कारण अब फिर कहीं इसी बातों में ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर ने दिया है नहीं दुख, तो उसको मीठा करके भोगना चाहिए ना, फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे। वो है एक भक्ति मार्ग में किन्होंने फिर ये मार्ग निकला दिए ये तसल्या देने के लिए, भाई दुख तो आया है अभी उसको दुखी करके भोगेंगे तो दुखी होगा, इसीलिए भाई ईश्वर तुमने ये भी दुख दिया है, चलो ये भी मीठा है तो जरा हल्का हो जाएगा भार, जरा हल्का हो जाएगा। तो वो तरीके बैठ करके टेम्पररी दिल को जरा थोड़ा तसल्या में लाने के लिए, वो भार हल्का करने के लिए ऐसे ऐसे बैठ कर करके बनाए। पर तो ऐसे तो नहीं उसका कोई भाड़ा है, उसने कोई हमको दुख दिया है या उसने कोई हमको दुखी बनाया है जो हम उसका वो दुख समझ कर करके मीठा भोगे। नहीं, है तो हमारे कर्म की और हमारे भी उल्टे कर्मों की नतीजा है, तो उसी को तो हमको सुधारना चाहिए ना। तो ये सभी चीजें, पर तो उसको सुधारने का नॉलेज नहीं है ना कि किस तरह से इसको सुधारे। तो आया है तो उसको भाड़ा मीठा करके भोगो, भाई दुखी होकर के भी भोगे, इससे तो ईश्वर का दिया हुआ इसको भी समझे तो चला उस भोगने में जरा ठंडा रहेगा, नहीं वो तीखा नहीं लगेगा भोगना, तो कहेंगे ईश्वर ने दिया है बस। तो ईश्वर का दिया हुआ तो अच्छा या बुरा फिर ऐसा समझ करके, बुरे को भी हाँ अच्छा समझ के चलेंगे। इसी तरीके से वो टेम्पररी अपने को थोड़ा शांति मन को लाने के लिए, तो ये हो गई अल्पकाल की शांति के तरीके। लेकिन बाप तो हमको बैठ कर करके
कहते बच्चे प्रैक्टिकल, सदा काल के लिए तुम्हारे पास शांति और सुख आवे, वो किस तरीके से आएंगे उन्हीं बातों को समझो। वो तो कहते हैं ना कि ये तो दुख मेरा थोड़ी, ये तो तेरा है, इसको तू समझ, और समझ कर करके इसी कर्म को तू मत बना जिससे तेरा दुख बनता है। तो ये बनता है पांच विकारों से, माया के संग से। अभी तू टोटली उसका संग छोड़ दे, ऐसा नहीं थोड़ा संग करो, थोड़ा छोड़ो न, टोटली एकदम एंड सब सरेंडर, हाँ माया का एकदम संग छोड़ दो जिससे बनता ही दुख है। ऐसे नहीं माया से कुछ सुख बनता है, नहीं उसे बनता ही दुख है। तो इसीलिए दुख का तो संग छोड़ देना चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते उनका संग ही छोड़ो, अब मेरा संग पकड़ो। तो मेरे से तो कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा दुख थोड़ा सुख, नहीं मेरे से तो है ही सुख, मैं तो सदा सुख दाता हूँ ना, मुझे कहते ही वो सुख दाता। तो अभी मेरा संग पकड़, देखो भक्ति मार्ग में भी जाने न जाने बिना भी तू मेरा संग पकड़ते हो तो भी मैं तुमको अलग काल भी सुख देता हूँ, वो मैं देता हूँ, माया नहीं देती है वो सुख। ऐसा नहीं समझना भक्ति मार्ग में ये माया सुख देती है, वो भी सुख जो है भक्ति में भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि ईश्वर अर्थ करते हो ना। देखो भले कोई गरीब को दान करता है लेकिन अंदर में तो ये है ना, गरीब को देगा तो भगवान राजी रहेगा, हाँ फिर भगवान हमको आशीर्वाद करेगा, भगवान कुछ देगा, अंदर में तो वही आता है ना। तो करते गरीब को है लेकिन अंदर याद में भगवान की आती है कि भैया ये भगवान करेंगे तो भगवान कुछ से अच्छा करेगा हमारा। कोई गरीब रोगी की सेवा करेगा तो करेंगे तो मनुष्य की, रोगी की, परंतु अंदर में आएगा कि रोगियों की सेवा करने से भगवान हमारा भी कुछ न ठीक करेगा, कभी रोग नहीं देगा या कुछ हमारा भला करेगा। करेगा कौन, परमात्मा आता है ना बुद्धि में। तो हो गया कि करते हम मनुष्य से हैं लेकिन ईश्वर अर्थ, तो ये हो गया ईश्वर। तो हम भी ईश्वर को इनडायरेक्ट में याद करते, डायरेक्ट करते मनुष्य से हैं, पर तो इनडायरेक्ट ईश्वर आता है, तो परमात्मा भी इनडायरेक्ट हमको रिटर्न करता है, चाहे किस मनुष्य के थ्रू, हाँ चलो किसी के द्वारा फिर धन की प्राप्ति होगी, चलो धनवान के घर में किसको दिया तो अच्छा दूसरे जन्म में धन मिल जाएगा, ऐसा होगा, कुछ रिटर्न हो ही जाती है। दूसरे किसके रोगी का किया, गरीबों की सेवा की, ऐसे बहुत हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत वो स्कूल खोलते हैं, विद्या का दान, तो दूसरे जन्म में क्या होगा, वो उसको बड़ी विद्या मिलेंगी, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बड़े कोई स्टेटस पा लेगा, विद्या का दान किया है ना, तो उसको दूसरे जन्म में कुछ स्टेटस अच्छी मिलेंगी। धन दान किया है तो कोई धनवान के घर में जन्म मिलेगा, कोई रोगियों की सेवा की है तो चलो दूसरे जन्म में जरा हेल्थ अच्छी मिलेंगी, ऐसा ऐसा रिटर्न होता है। लेकिन करते तो ईश्वर अर्थ है ना, इनडायरेक्ट तो बुद्धि में ईश्वर आता है, पर तो करते मनुष्य के साथ में, तो फिर इनडायरेक्ट ईश्वर उसको देता है मनुष्य के थ्रू, वो भी मनुष्य के थ्रू ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर भी मनुष्य के थ्रू फिर उसको देता है। इसी तरह से वो तो भक्ति मार्ग चला इनडायरेक्ट वे में, अभी बाप कहते हैं डायरेक्ट, अब तो मैं आया हुआ हूँ ना डायरेक्ट, तो ये अभी तुम्हारा संबंध मेरे से डायरेक्ट है, इसीलिए अभी डायरेक्ट मेरे से तो सदा सुख की प्राप्ति करने की है। और किस तरह से वो बेहतर करके अपना सारा बातें समझाते हैं, तो ये अभी अपन उससे डायरेक्ट, अभी कोई इनडायरेक्ट मनुष्य के थ्रू नहीं है, नहीं डायरेक्ट अभी बाप से, तो हमारा कनेक्शन है अभी डायरेक्ट। तो ये ज्ञान मार्ग डायरेक्ट मार्ग है, भक्ति मार्ग इनडायरेक्ट मार्ग है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये भी तो समझना है, नहीं तो बाप डायरेक्ट आकर के ज्ञान भी डायरेक्ट देता है, किसके थ्रू तो मिल ही नहीं सकता है, मनुष्यों के द्वारा जो मिला उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इसीलिए कहते वो तो भक्ति हुई, लेकिन ज्ञान देता ही मैं हूँ ना, ज्ञान दाता ही मैं हूँ, दाता ज्ञान सागर भी हूँ तो ज्ञान दाता भी मैं हूँ ना, ऐसे नहीं खाली ज्ञान सागर मैं हूँ, ज्ञान दाता है मनुष्य है, नहीं सागर भी मैं हूँ अथा ज्ञान भी मेरे पास है सब, तो दाता भी मैं हूँ। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, ऐसे नहीं है खाली अपने लिए ज्ञान सागर हूँ, मैं अपने लिए ज्ञान रख के क्या करूंगा, मुझे कोई अज्ञान थोड़ी है जो मैं ज्ञान रखूं, चलो हम तुम्हारा सबका ज्ञान मैं अपने पास रख करके कोई फायदा तुमको देऊंगा तभी तो मेरे पास ज्ञान का भी कुछ नाम होगा, नहीं हम अपने लिए रखें खाली जानता जाए ये चोर चोरी करता है, ये खून खूनी करता है, ये ऐसा करता, खाली मैं जानता रहूं तो मेरा क्या फायदा हुआ, यहाँ चोर का भी क्या फायदा हुआ, चोर भी चोरी करता ही रहे, मैं खाली जानता रहूं, मैं अंदर सबका जानता हूँ कि नहीं ये चोर है ये खूनी है ये करता है ये बुरा करता है, खाली हम देखता रहूं और जानता जो, तो उसमें चोर का भी फायदा क्या हुआ और मेरा भी फायदा क्या, खाली सारा दिन हम यही सोचता रहूं,
ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ उसी जानने का फिर फायदा देता हूँ ना, फायदा देता हूँ तब तो तुम मुझे याद करते हो, गाते हो कि हे भगवान हाँ तुम ऐसा है, तुम ऐसा मेरी महिमा करते हो, तो जरूर मैंने तुमको कुछ दिया है, तुम मेरे से कुछ पाया है। कभी भी कोई मनुष्य भी मनुष्य से कुछ लेते पाते हैं तभी तो एक दो की महिमा होती है ना, भाई गांधी भाई क्यों उसने हमारे लिए कुछ किया तभी तो हम उसकी महिमा करते हैं ना, नहीं तो उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता तो हम उसको याद क्यों करते, उसका गाते क्यों, उसकी महिमा क्यों करते। तो एक दो के प्रति कोई कुछ करता है तभी उसकी महिमा है। तो परमात्मा को भी सभी याद करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब भी दुख आता है तभी याद करते हैं, तो जरूर है उसने हमारे दुख के समय पर कोई ऐसी सहायता की है, तब तो हम उसको याद करते हैं कि अभी तू सहाय हो, और गाते भी ऐसे हैं कि सहाय हो, तेरी अभी सहायता की जरूरत है, अभी मनुष्य का काम नहीं चलेगा, अभी मनुष्य की सहायता नहीं चल पा सकेंगी, तब फिर मुझे याद करती हो। और ऐसा होता है देखो, जब सबसे दिल हट जाती है ना फिर भगवान याद आता है, कोई से नहीं होता है, बाप से भाई से इधर से सब, तो फिर भगवान याद आता है, कहते देखो अभी तू ही है, साहब से जब नहीं बनती है या कोई ऐसी बात होती है तो फिर भगवान याद आता है। तो उसकी माना ही है कि हमारे किसी से न प्राप्ति रही तब फिर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, तब तो वो याद आता है ना, तो एक ही वो सहारा है। इसीलिए बाप कहते हैं कि तुमको मनुष्य को मनुष्य के द्वारा वो चीज जो मेरे द्वारा डायरेक्ट मिलने की है वो नहीं मिल पाती, इसीलिए फिर तुम मुझे याद करते हो, फिर मैं आता हूँ तो अभी मैं आया हुआ हूँ अभी डायरेक्ट, तो ये अभी है डायरेक्ट। इसीलिए बाप कहते हैं अभी मैं भी देखो डायरेक्ट तुमको ये सब समझा रहा हूँ, और तुम भी मेरे से अभी संबंध रिलेशन डायरेक्ट जो और जोर कर करके अभी मेरे से जो कुछ डायरेक्ट प्राप्ति है वो लियो, तो अभी लेना चाहिए ना। तो ये बुद्धि में आनी चाहिए कि ये हमारा कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है, मनुष्य के द्वारा ऐसे नहीं समझना ब्रह्मा के द्वारा हमको मिलता है, नहीं ब्रह्मा भी उससे लेता है ना, वो तो सिर्फ ऑर्गन्स का टेम्पररी परमात्मा सहारा लेता है बोलने के लिए, बाकी सुनाते तो वो है ना, ऐसे नहीं ब्रह्मा सुनाते हैं, ब्रह्मा के थ्रू, परंतु थ्रू मीन्स है इसका ऑर्गन्स का आधार लेते हैं, लेकिन सुनाता तो वो है ना, नॉलेजफुल जो गॉड है वो सुनाता है, और उसके साथ वो ब्रह्मा भी सुनता है, उसकी भी सोल है ना ब्रह्मा की, यहाँ अब वो भी सुनती है और हम भी सुनते हैं, हम भी तो आत्माएं सुनती है ना, ये कौन सुनता है, आत्मा सुनती है। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते, जैसे तुम भी शरीर के द्वारा आत्माएं सुनती है, वैसे जिस शरीर में मैं आता हूँ उसको कान भी है ना, तो कानों से वो आत्मा सुनती है, मुख से मैं आत्मा बोलता हूँ, दो सोल है ना, दो आत्माएं हैं, तो एक ऑर्गन मैं ले लेता हूँ, परंतु किसी टाइम वो भी बोलता है, किसी टाइम मैं भी बोलता हूँ, ऐसे भी नहीं सारा समय मैं बोलता हूँ, चलो घंटा डेढ़ मुरली चलाई बाबा ने, वैसे भी नहीं है कि घंटा डेढ़ हाँ कोई बाबा नहीं बोला, हाँ शिव बाबा नहीं बोला, नहीं कभी बीच में ब्रह्मा भी, जैसे हम आत्मा भी बोल सकती है ना, हाँ अभी देखो ममा की आत्मा या जो भी टीचर्स हैं तो वो बोलती है ना, तो जैसे वो बोलती है वैसे ब्रह्मा भी तो बोल सकता है ना, ऐसे थोड़ी है कि बस ब्रह्मा के तन में वो ही बोलेगा, हाँ ब्रह्मा अपना भी तो नॉलेज जो धारण किया है वो सुना सकते हैं, जैसे हम भी धारण करके सुनाते हैं, तो इसी तरह से डबल सोल सुनाती है, पर तो ये समझना है कि कौन सी पॉइंट बाबा सुनाती है, जो नई बात होगी वो सुनाएगा, क्योंकि नहीं तो वो ही सुनाएगा नहीं, हाँ हम सुनी हुई सुना सकते हैं, तो हम सुनाएंगे सुनी हुई, भले थोड़ा अपना विचार सागर मथन भी करेंगे कुछ ढंग से सुनाएंगे भाई दूसरों को जैसे हो इतना फर्क, लेकिन बातें तो उसके द्वारा मिली ना, जानकारी तो उनके द्वारा, भाई ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जैसे ये नई बात है, ये जानकारी कहाँ से मिली, परमात्मा से, ये थोड़ी हम जानते थे, हाँ अभी बाकी समझाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसमें फिर विचार सागर मथन हम कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये आदमी को कैसे समझाएं, इसके बुद्धि में परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको ऐसा बैठा हुआ है, इसका ये कैसे निकालें, तो उसकी तरकीब हम विचार सागर मथन कर कर करके अपने विचार से सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये परमात्मा सर्वव्यापी हमें तो नहीं पता था, हा? ये तो उसने बतलाया ना, इसी तरह से जो नई बात है नई पॉइंट है बाबा देगा, कभी तरकीब भी नहीं समझाएगा, कभी नई बात भी देगा, कभी हम भी तरकीब निकालते हैं, कभी ये तो होता है, तो ब्रह्मा में भी ना ब्रह्मा की सोल और फिर बाबा की या शिव बाबा की सोल, तो दो है ना, तो कभी वो भी सुनाते हैं एक ही टाइम, एक
पॉइंट वो सुनाएगा तो दूसरी पॉइंट वो भी सुना लेगा, वो भी कम थोड़ी है, वो सुनाएगा। तो ये सभी होता है, परंतु ये ऐसी बात है जो देखने से समझ में नहीं आएगी। हाँ, आप सुनेंगे बाबा के मुख से मुरली तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये शिव बाबा बोलता है या ये ब्रह्मा बाबा बोलता है, कौन बोलता है। परंतु हाँ, ये नॉलेज से, बुद्धि से समझा जा सकता है, कोई देखने में कुछ नहीं आएगा। कहीं आते नहीं वहां नए वो समझते शायद दिखाई पड़ेगा अभी शिव बाबा बोलता है या ब्रह्मा बोलता है या वो देखने लग पड़ते हैं ऐसे। परंतु वो देखने की तो कोई चीज नहीं है ना जो दिखाई पड़ेगा, नहीं, ये बुद्धि से समझने की बात है। हम परमात्मा को भी देखने से नहीं समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं, जान करके, नॉलेज से, ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं है, बतलाए ना इस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, तो हम भले कितना भी देखें इसको, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है ये काहे के लिए चीज है, हाँ तो क्या करेंगे वो। हाँ, कोई गांव वाले है बेचारे, कभी उन्होंने ये देखा ही नहीं है। हाँ, कोई गांवड़े वाले हो जिन्होंने कभी ये टेप मशीन और ये न देखी, उसके आगे जाकर के ये रखो, वो कहेगा पता नहीं ये क्या है, पता ही नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ी वैल्यू होगा इसका। हाँ, इसी तरह से जो पहले नॉलेज चाहिए ना कि भाई इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसे क्या काम होता है, इसे क्या, तो उसका कद्र रहेगा, उसका पता रहेगा। तो इसी तरह से पहले ज्ञान, तो हमको भी परमात्मा ज्ञान से जाना जाता है, वो अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ तभी। लेकिन देखें ऐसे तो बहुत आत्मा के परमात्मा के साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, फिर क्या हुआ। तो साक्षात्कार से सिर्फ काम नहीं चलता, उसका ज्ञान चाहिए ना। इसी तरह से बाप कहते हैं कि हाँ, ये भी बातें ज्ञान से जानी जाती हैं, कोई देखने से पता नहीं लगता है, लेकिन बुद्धि से समझा जाते हैं कि ये बात हाँ ऐसा लगती है, ये शिव बाबा का बोला है, ये ब्रह्मा का है, समझी जा सकती है। तो ये सभी चीजें बहुत समझने की हैं, और समझ कर कर करके और फिर धारण करने की है। तो अभी बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि अभी मेरा डायरेक्ट है तुमसे रिलेशन संबंध, अभी मैं डायरेक्ट सुनाता हूँ, तुम भी मेरे से डायरेक्ट रखो। अभी किसके थ्रू तो नहीं ना मनुष्य के, अब डायरेक्ट, इसीलिए हमारा लेना देना डायरेक्ट उसके साथ है, जो हम करते हैं अभी उनके साथ में करते हैं, तन से मन से धन से अभी उनके साथ करते हैं, नहीं तो उनके साथ करते हैं, तो उनके द्वारा डायरेक्ट करने में फायदा है। इनडायरेक्ट में भी हमको कुछ ना कुछ फायदा मिल ही जाता था, अभी तो डायरेक्ट करते हैं तो उसका और इंटरेस्ट हाँ ज्यादा मिलेगा ना, एक का 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट उसका हम संबंध जोड़ करके उसके साथ सौदा हाँ डायरेक्ट करते हैं। तो अभी हम सौदा डायरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और बाप कहते हैं बच्चे पुराने दियो और नए लियो, एक्सचेंज सब एक्सचेंज, बॉडी एक्सचेंज, आत्मा भी इम्प्यूरिफाइड से प्यूरिफाइड सब एक्सचेंज है, उससे हमको सब सारा संसार एक्सचेंज में मिलता है। तो अभी उसकी एक्सचेंज में लेना, देखो वो तो बड़ा धनी, कहो क्या कहो उसको, धनी भी क्यों कहें, उसके पास तो सब अथाह है ना, इसीलिए उसके पास सब उसी से हम लेते हैं तो हम कितने भरपूर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं झोली हो, झोली भरते है ना कि भगवान दियो, परंतु इसी झोली में नहीं है, ये हमारा ये झोला है ना, बुद्धि झोला है, उसमें नॉलेज भरते हैं, उसी से फिर हम आत्मा सदा प्रालब्ध सुख की लेते हैं। तो आत्मा का झोला ये नहीं है, ये तो शरीर का झोला है, आत्मा का झोला बुद्धि है, जिस बुद्धि में हम ये सब भरते हैं, जो संस्कार भर के जाते हैं, वो फिर हम संस्कारों की प्रालब्ध लेते हैं। तो अभी उसमें भरना है नहीं, आत्मा में मन बुद्धि जो है उसी में सब भर के ले जाना है। तो आत्मा में कैसे भरा जाता है वो बैठकर करके बाप अभी इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कितना सब 84 जन्मों का पाठ और कितना ये सब भरा है, तो छोटा सी वो देखो कहते नहीं ये एटॉमिक बॉम्ब से, वो कहते हैं जरी कण है क्या, इतनी चीज बिल्कुल छोटी, लेकिन पावर देखो उसकी कितनी है, जैसे इतनी छोटी की वो पावर है, वैसे ये भी आत्मा इतनी छोटी की बड़ी पावर है, इसमें कितना पार्ट कितना जन्मों का ये सब चलता है। तो बाप बैठ करके अभी समझाते हैं कि बच्चे ये अभी आकर करके तुम्हारा लास्ट जन्म का हिसाब रहा है, अभी इसमें फिर तुम्हारा सारा जन्मों का अभी फिर नया खाता भरता है। वो कैसे भरता है, फिर अभी नया खाता को बैठ करके बाप दिखलाते हैं कि कैसे भरो, भरो तो ऐसा भरो जिसमें तुम सदा सुख पाते चलो। तो अभी फिर हाँ अपने को नया भरने का है, तो अभी ये सब अपने को एक्सचेंज कर करके पुराना एक्सचेंज और नया लेना है।
कभी एक्सचेंज सौदा है नहीं, हाँ वो एक्सचेंज सौदे करते हैं नहीं बहुत, हाँ पुराने बर्तन लेते हैं नए देते हैं, कहीं एक्सचेंज सौदे होते हैं ना, तो ये भी एक्सचेंज सौदा है। इसीलिए कहते ये दे, दे सेट सभी संबंध जो भी कुछ है, ये पुराना मुझे दियो मैं तुमको दे, और दे सेट सभी संबंध सब नया दूंगा। तो ऐसा सौदा करने में कोई नुकसान है, बड़ा फायदा है। तो इसीलिए ऐसे फायदे को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसमें नुकसान ही क्या पड़ता है। तो ये एक्सचेंज सौदा है, तो एक्सचेंज करो, इसमें रखा ही क्या पुराना, दे में क्या है, हाँ रोगी दुखी ये फलाना देखो अकाले मृत्यु। हम अगर इसी देह से ममत निकाल करके और देह सहज संबंधों से ममत निकाल करके अभी हम बाप के हो जाएंगे तो फिर हमको एक्सचेंज में दे भी अच्छी मिलेंगी, हाँ और फिर हमको सारा संबंध देखो लक्ष्मी नारायण का संबंध कितना अच्छा है, ऐसा संबंध मिले पति पत्नी और बाप बेटे, हाँ और सभी ऐसे, तो ऐसे संबंध मिले तो अच्छा है ना, इसमें हम सदा सुखी रहेंगे, इसमें तो दुखी दुख है ना, राजा प्रजा सब संबंध अच्छा हो जाएगा ना ऐसे मनुष्यों की, इन्हीं के हम राजा प्रजा होकर करके यहाँ सुख पाए तो देखो कितना सुख हो जाएगा। इसमें कभी होगा अन्न नहीं मिलेगा, कभी यहाँ कोई दुख होगा या कहीं बातें हो, कुछ नहीं, कुदरती आपदाएं भी कंट्रोल में, हाँ यानी वो भी सतो प्रधान, कोई कभी ऐसा नहीं फ्लड्स हो जाए फिर हमारा अन्न चला जाए नहीं, कभी इसके ताकत से ऐसो के फिर हमारा सब प्रकृति भी पूरी सर्विस करती है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ की प्रालबद्ध रहती है ना। तो इसीलिए बाप कहते हैं तो देखो तुम कातवाड़े सब संबंध कितना अच्छा बनाता हूँ, सब सुख है तुमको, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं है, तो कोई दुख ना हो तो ये अच्छा है ना। ऐसे नहीं थोड़ा सुख हो फिर दुख हो फिर सुख हो, ऐसी नहीं, फिर उसमें तो सुख लगता ही नहीं है ना। धन होगा फिर कोई शरीर का रोग होगा तो सुख लगेगा थोड़े ही, धन होते फिर दुखी, अच्छा धन होगा कोई बच्चा ऐसा होगा हाँ नालायक तो फिर तो भी हाँ दुखी, हर तरह के दुख हो जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे तो मैं तो अभी तुमको सब कंप्लीट देता हूँ जिसमें तुम सदा सुखी रहो, कोई भी दुख की नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्रात नहीं, मरूंगा कुछ करके जाऊं या ये करूं या अपना दीवा जगाऊं या अपना कुछ करूं ये भी चिंता नहीं, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ की जन्म जन्मांतर की प्रालबद्ध है, उसमें ये भी नहीं कि हमको कुछ करके जाऊं। अपनी तो अभी तो बहुत जन्मों का बनाया है ना, वो चलता रहता है, खाते रहते हो तो उसमें वो भी चिंता नहीं। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि एक ही बार मैं तुम्हारा इतना बना लेता हूँ और इतना बल देता हूँ जिसमें तुम बहुत जन्मों तक खाते और आराम से चलते रहो सब तरह से, तो ये सब इतना फायदा मिल जाए तो अच्छा ही है ना। तो ऐसे फायदे का काम अथवा ऐसा सौदा करने में फिर थोड़े ढीला रहना चाहिए, हाँ नहीं उसमें चुस्त रहना चाहिए, ये एक्सचेंज सौदा सबसे अच्छा है। इसीलिए परमात्मा को सौदागर भी कहते हैं, रत्नागर भी कहते हैं, जादूगर भी कहते हैं, देखो जादू है ना इसका बड़ा, क्या से क्या बना लेता है, जैसे जादूगर कागज से या नोट बना देते हैं, हाँ और इसे पत्थर से पैसे बना लेते हैं, कई चीजें ऐसे यहाँ एक्सचेंज में बना लेते हैं। तो ये बाप कहते हैं मैं देखो तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना लेता हूँ, क्या से क्या, तो ये है जादूगरी ना, सच्ची जादूगरी तो ये है प्रैक्टिकल, वो तो टेम्पररी हाँ, और उसे क्या है अगर ऐसे हो ऐसे कोई साहूकार बने कागज से पैसा बना लेवे तो फिर गवर्नमेंट तो उसको अच्छा फायदा रखेगा, सबको कहे जादूगरों को इकट्ठा कर देवे और कह देवे कि हमारे यहाँ पैसा बना के दियो, हाँ काम चलता है, बन ऐसा तो नहीं चलता ना। तो ये सभी चीजें बैठ कर कर करके बाप अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे ये प्रैक्टिकल तुम्हारा जो बनता है वो सदा सुख पाने की चीज, तो अभी सदा सुख पाने की जो चीज मिली है उसको लेकर कर करके और बाप से अपना सदा सुख प्राप्त करना है, तो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहो, इसमें कोई भी सुस्ती नहीं हा? कोई गफलत नहीं, कोई ठंडा पुरुषार्थ नहीं, तेज पुरुषार्थ, ये रफ्तार तेज चलनी चाहिए, ये अपना ध्यान रखना चाहिए, और अपने में कोई खामी हो क्रोध की लोभ की मोह की काम की हा? जो भी खामी हो, खामी समझते हो नहीं, जो भी अपने में बुराइयां हो वो बुराइयां निकालनी चाहिए, अपने में रखनी नहीं चाहिए, अगर कुछ वीकनेस हो नहीं निकल पा सकती है तो फिर उसका श्रीमत लेनी चाहिए, हाँ तो उसका मिलेगा राय मिलेगी, इस खामी को तुम ऐसा कर, जैसे डॉक्टर पेशेंट होता है
कोई ऐसा अच्छा कोई दवा मिलती है परंतु फायदा नहीं पड़ा तो फिर डॉक्टर को बतलाने से फिर एक्सचेंज कर देगा नहीं दवाई। हाँ तो अच्छा भाई तुमको इससे नहीं हुआ चलो अभी इंजेक्शन, लिक्विड से नहीं हुआ चलो इंजेक्शन, इंजेक्शन से नहीं हुआ तो चलो ये दूसरी दवाई, फिर एक्सचेंज करेगा तो दूसरी कोई मिल जाएगी। तो फायदा तो इससे ही मिलना है ना, और तो कहाँ से मिलना है। चलो ये डॉक्टर छोड़े फिर दूसरा डॉक्टर ले, उसमें तो बहुत डॉक्टर है, एक छोड़ेगा चलो दूसरे से ले लेगा। इधर तो है ही एक, इसका इलाज करने वाला ही एक है और अथॉरिटी वही है, उससे ही होने का है, ऐसे नहीं है कि होने का नहीं है, होने का भी उससे ही है, परंतु कोई ऐसी तरह से उससे अपना इलाज लेवे ना। इसीलिए बाप कहते हैं कि देखो सब मुक्ति भी मैं देने वाला, जीवन मुक्ति भी मैं देने वाला, दोनों मैं देने। चलो तुम मुक्ति चाहो तो भी मेरे से, हाँ उसे मेरे से फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी मेरे साथ संबंध जोड़ने से तुमको फायदा ही फायदा है, नुकसान की तो बात ही नहीं है, थोड़ा भी तो भी फायदा है, बहुत तो फायदा ही है, तो फायदा तो मेरे से ही मिलना है ना, इसीलिए फायदा क्यों नहीं लेते हो। उसमें ढीले नहीं, उसमें पुरुषार्थ ढीला नहीं रखने का। तो ये सभी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से समझते और अपने पुरुषार्थ को आगे रखने का है, इसको कहेंगे पुरुषार्थी। बाकी ऐसे नहीं है काम तो पुरुषार्थ को थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, नहीं करना तो फिर जितना लेना है वो अपना एम रखना चाहिए, हमको लेना इतना है, माल इतना है, उसमें से हमको लेना है, ऐसे नहीं थोड़ा लिया ये भी अच्छा, हाँ नहीं लेना तो जितनी है उसमें से हमको लेना चाहिए, जब ये चांस है इतने लेने का तो क्यों नहीं ले रहे, तो उसको कहेंगे ये लेने वाला अच्छा है। बाकी जरा सा ले लिया तो क्या हुआ, वो भी कहेंगे अरे तुम्हारे माल इतना मिलता है तुम लेता इतना है, अरे तेरे शायद किस्मत में नहीं है। उसी समय ऐसा कहने में आता है किस्मत नहीं है, तुम कोई कम वक्त हो, तुम्हारे आगे इतना वक्त आया और तुमने लिया इतना, तो कहेंगे अरे तुम्हारे तो किस्मत में नहीं है शायद, ऐसा कहा जाते हैं। तो अभी बाप हमारे सामने इतना आया और हम उसे इतना लें जरा सा तो क्या कहेंगे कम वक्त, तो ऐसा थोड़ी बनना चाहिए, लेना तो पूरा लेना और लेना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि लेना तो पूरा लेना नहीं तो नहीं लेना, कहीं पर ऐसे भी महामूर्ख निकलते, इसको फिर कहेंगे महामूर्ख, हाँ मूर्ख तो पहले ही है पर जो समझते हैं कि इतना लेवे तो उससे तो न लेवे तो अच्छा है ना, तो ऐसे भी महामूर्ख उसको फिर कहेंगे क्या महामूर्ख, ऐसे तो नहीं है ना, मूर्ख तो पहले ही है कि हम माया के संग में खो बैठे हैं, परंतु मिली चीज के में से चलो इतना नहीं तो थोड़ा भी वो भी तो ठीक है, परंतु बाप फिर समझाते हैं कि इसने इतने में खुश नहीं होना है, तो न महामूर्ख बनो न कम वक्त बनो, समझा, ऐसा भी नहीं बनना है। इसीलिए अपने समझ को अच्छी तरह से रखते और अपना पुरुषार्थ करने का, वैसे पुरुषार्थ करते आगे बढ़ो। अच्छा आप लोगों का टाइम हुआ है, हाँ चलो आज देखो बाबा की टोली आई है मालूम है, हाँ बाबा ने टोली मोकली भेजी है बेंगलोर वासियों के लिए, दिल्ली से, हाँ दिल्ली से एक आया है गोप, तो वो ले आया है। तो देखो बेंगलोर वासियों को बाप दादा हाँ कितना याद करती हैं, कितना प्यार करती हैं, आप लोगों के लिए टोली भेजी, इसीलिए आज हम खिलाते हैं आप लोगों को, बाबा की टोली है ना, बाबा ने प्यार से भेजी है फिर हम भी प्यार से खिलाएंगे ना, तो आज हम खिलाते हैं ठीक है। चलो